गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का नाश्ता हो गया है, रंजन गाड़ी लेके आ गए हैं और अब हम करने जा रहे हैं अपने दिन की शुरुआत। सामने है ले पैलेस जो कि शाम के टाइम रोशनी से भरा हुआ रहता है। अब हम जा रहे हैं संगम पॉइंट जो कि लोकेटेड है निम्मू ले श्रीनगर हाईवे पे। यहाँ होता है मिलाप दो नदियों का, इंदस सिंधु नदी और जंस्कार नदी का। अब हम जा रहे हैं ले सिटी के बाहर और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं जो मूर्ति है वो यहाँ के पहले राजा की है। रास्ते में जाते टाइम सबसे पहले आएगा एयरपोर्ट, फिर आएगा हॉल ऑफ फेम, उसके आएगा पत्थर साहब गुरुद्वारा, फिर मैग्नेटिक हिल और आखिरी में है संगम पॉइंट। सो हम सबसे पहले जाएंगे संगम पॉइंट, लेकिन उससे पहले भराया जाए गाड़ी में पेट्रोल। तो यहाँ लेह में तापमान कम होने की वजह से पेट्रोल की गाड़ियाँ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपको डीजल गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं दिखेंगी। तो ये जा रहा है हॉल ऑफ फेम, हम इसे आते टाइम कवर करेंगे। तो आप जैसे ही बाहर निकलते हैं ले से, यहाँ चेकिंग होगी और आपका परमिट देखा जाएगा। यदि आपके पास परमिट नहीं है तो आपको परमिट यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। हमारे ट्रैवल गाइड ने हमारे लिए परमिट खरीद के रखा था। तो हम अब ले के सिटी के बाहर निकल गए हैं। दाईं तरफ देख सकते हैं ले की पहली यूनिवर्सिटी। अब हम आगे जा रहे हैं और आ गया है पत्थर साहब गुरुद्वारा जो कि हम आते टाइम देखेंगे। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सरंजन यहाँ बता रहे हैं कि जैसे आप पत्थर साहब गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पत्थर पे लोकल मंत्र लिखा है जो कि इनकी गाड़ी के ऊपर भी है और यहाँ के लोग भी बड़ा मानते हैं पत्थर साहब गुरुद्वारे को। क्योंकि अभी कोविड का दौरान चल रहा है इसलिए वहाँ पे लंगर सर्व नहीं होगा, लेकिन चाय नाश्ता आप कर सकते हैं और यहाँ के लोगों की बड़ी मानता है पत्थर साहब गुरुद्वारे में। सरंजन मैग्नेटिक हिल के बारे में बता रहे हैं कि पहले रास्ता जो था वो ऊपर नीचे था, अब भारत सरकार ने रास्ता बना दिया है तो स्लोप की वजह से कई टूरिस्ट को मैग्नेटिक हिल इतनी पसंद नहीं आती थी। सो अब हम आ गए हैं संगम पॉइंट जो कि लोकेटेड है निम्मू ले श्रीनगर हाईवे पे। यहाँ मिलन होता है दो नदियों का, वो देखिए इंदस नदी और जंस्कार नदी। यहाँ मिलन होता है दो नदियों का, बड़ी खूबसूरत जगह है। आइए इसे नीचे चल के देखते हैं। सो अब हम जा रहे हैं नीचे संगम पॉइंट पे और आगे से हमें यू टर्न लेके नीचे जाना है। काफ़ी टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं, अक्टूबर का महीना है एंड इस वक्त लोग थोड़े कम हैं। यदि आप जून जुलाई आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। सरंजन कहीं गायब हो गए थे, काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरकार हमें मिल गए। अब हम यहाँ से जाएंगे मैग्नेटिक हिल। सो अब हम पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल और गाड़ी इस वक्त न्यूट्रल में खड़ी है। और जब आप यहाँ पे न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो गाड़ी अपने आप पीछे जाती है। हमने गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी कर दी है। अब आप देख रहे हैं रास्ता अच्छा बना हुआ है यहाँ पे और काफ़ी स्लोप है। पहले यहाँ स्लोप नहीं होती थी और ऊपर नीचे का रास्ता होता था, फिर भी गाड़ी पीछे की तरफ ऊँचाई की तरफ खींची चली जाती थी। और अब काफ़ी लोगों का मानना है कि रास्ता बनने के कारण स्लोप है, आप देख रहे हैं गाड़ी पीछे जा रही है धीरे धीरे और स्लोप पे यूजुअली गाड़ी पीछे जाएगी ही, लेकिन ये रास्ता बनने से पहले भी यहाँ पे गाड़ी ऊपर की तरफ जाती थी। सो ये जो मैग्नेटिक हिल है इसकी डिस्कवरी की थी पायलट्स ने, जो ठीक राइट में पहाड़ है वहाँ पे अपने आप खिंचाव से प्लेन चले जाते थे। अब पायलट्स ने रूट चेंज कर दिए हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बन चुकी है। तो हम यहाँ पे रुक गए थोड़ी मौज मस्ती करने मैग्नेटिक हिल के यहाँ और ग्रेविटी को डिफाइन कर रहे हैं और हम आगे पीछे जाते हुए ग्रेविटी की वजह से। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब किया है कलेजे से थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना।